Hello everyone, hope you all are fine and safe. Welcome and welcome back to my channel and Ankita Goel this side. So, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूंगी, आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, तो जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियोस को देखा करे, मैं नोटिस कर रही हूँ वो वीडियोस को देखते ही नहीं है. लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं मेरा चैनल पर वीडियोस को नहीं देखते. प्लीज मेरी वीडियोस को देखा भी करो और आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई अपने चैनल पर. सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो मेरे जुलाई मंथ के फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर से रिलेटेड, उनका मैं मिनी रिव्यू करूंगी. और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स एम्प्टी भी करे हैं तो उनका भी मैं रिव्यू दूंगी कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कैसे नहीं है, मुझे अच्छे लगे या नहीं. तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोगों को काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा. तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरे जुलाई मंथ के फेवरेट प्रोडक्ट्स में, वो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर कॉन्टोर पैलेट. ये जो कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर पैलेट है ये मैंने 2019 में लिया था और इसका जो रिटेल प्राइस है वो है 375. मैं नायका वाले पेज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, मैंने उधर से ही लिया था. अभी भी इसका आई थिंक रिटेल प्राइस 375 ही है. तो ये कंसीलर करेक्टर पैलेट मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसके अंदर आपको काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे. तो ये जो इनसाइड कॉस्मेटिक की कंसीलर पैलेट है इसको आप कलर करेक्टर कॉन्टोर के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आपको 10 शेड्स मिल जाएंगे, आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. तो ये जो प्रोडक्ट है इनसाइड कॉस्मेटिक का, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है. मैं इसकी अंदर की पैकेजिंग दिखा देती हूँ. इसकी आउटर पैकेजिंग है तो अंदर से पैकेजिंग आप देखकर शॉक मत होना, क्योंकि इसकी जो हालत है बहुत ज्यादा खराब है, ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट डैमेज हो गया है क्योंकि मैंने इसके प्रोडक्ट को काफी ज्यादा यूज किया है. और इसकी आप पैन देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा सकती क्योंकि इसके सारे पैन अभी पैलेट में से निकल चुके हैं क्योंकि प्रोडक्ट मेरे से काफी बार हाथ से गिर गया था. तो इसमें से आप देख सकते हैं मैंने काफी सारे जो शेड्स है वो यूज कर लिए. तो इसमें ये दो शेड्स मैंने सबसे ज्यादा यूज करे हैं, थर्ड फिर ये वाला शेड यूज किया और ये कॉन्टर वाला शेड भी ज्यादा यूज हो गया है. तो 3-4 शेड्स है वो मैंने ज्यादा यूज करे हैं और इसकी जो शेल्फ लाइफ है आई थिंक 3-4 ईयर्स है, तो सबसे अच्छी बात ये है. तो ये जो कलर करेक्टर पैलेट है, कंसीलर जो भी आप बोलना चाहो, काफी अच्छी है. ये जो कंसीलर करेक्टर पैलेट है ये इनसाइड कॉस्मेटिक की काफी अच्छी है. इसका जो टेक्सचर है क्रीमी है, स्मूथ है, इजीली ब्लेंड होती है, कवरेज भी इसका मीडियम है, आप बिल्डअप कर सकते हैं. तो मैं इसको स्पेशली अपने आईलिड पर यूज करती हूँ, अपने आईलिड पर कंसीलर के लिए यूज करती हूँ और अपने अंडर आई पर यूज करती हूँ और जो मेरे डार्क स्पॉट्स है, एक्ने मार्क्स है, उनको हाइड करने के लिए इसको यूज करती हूँ. तो ये पैलेट मुझे काफी अच्छी लगी, अफोर्डेबल है, ऑल इन वन पैलेट है. अगर आप लोगों को कॉन्टोर चाहिए, क्रीमी वाला, कंसीलर चाहिए, कलर करेक्टर चाहिए तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं. ये पैलेट मुझे सबसे ज्यादा अफोर्डेबल लगी. तो ये आप इसके शेड्स देख सकते हैं, ये शेड्स है, अगर पॉसिबल होता तो मैं इसको जरूर ओपन करके दिखा देती. तो पहले मैं आप लोगों को सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी जो मेरे जुलाई मंथ के फेवरेट है, फिर स्किन केयर के दिखा दूंगी. सेकंड जो प्रोडक्ट है मेरा जुलाई मंथ का फेवरेट ये है मार्स कॉस्मेटिक की फैंटेसी आई शेडो पैलेट और इसका जो शेड नंबर है ये 2. ये मुझे मार्स कॉस्मेटिक ने भेजी थी लास्ट मंथ, तो ये PR में थी बट मैं इसका जो रिव्यू कर रही हूँ वो मेरा ऑनेस्टी है. तो ये जो मार्स कॉस्मेटिक की ये फैंटेसी आई शेडो पैलेट है इसके अंदर आपको 15 शेड्स मिल जाएंगे और इसका रिटेल प्राइस भी अफोर्डेबल है. इसका जो रिटेल प्राइस है ओनली 299 है. कलर्स इसके अच्छे हैं, पिगमेंटेड है, बिल्डअप आप कर सकते हैं और इसके अंदर आपको और भी वेरिएंट्स मिल जाएंगे. मेरे पास इसका शेड नंबर 2 है. ये पैलेट की आउटर पैकेजिंग है, इसे कार्डबोर्ड बॉक्स में मिलेगा और मैं इसकी मेन पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ पैलेट की. तो ये देखिए मार्स कॉस्मेटिक की आई शेडो पैलेट की मेन पैकेजिंग है, 15 पैन्स है, कलर शेड्स है, कलर शेड्स इसके अच्छे हैं. तो ये देखिए ये इसके अंदर के कलर शेड्स है, कितने सुंदर प्रिटी शेड्स है इसके अंदर और शेड गेंज मुझे अच्छी लगी पूरी पैलेट की. इसके अंदर आपको ब्राउन शेड्स मिल जाएंगे, शिमर शेड्स मिल जाएंगे, मैट शेड्स मिल जाएंगे. तो ये ऑल इन वन पैलेट है, आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हो. सबसे अच्छी बात है कि आपको ये ओनली 299 में मिलेगी, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर चेकआउट कर सकते हैं. तो मैं इसके 2-3 शेड आप लोगों को सर्च करके दिखा देती हूँ. तो ये देखिए मैंने 4 शेड्स ले लिए हैं.
तो ये देखिए चार शेड्स हैं मैंने हैंड पर जो स्वेच के, कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है। बस मैंने इनको वन स्वाइप में किया है तो काफ़ी अच्छे शेड्स हैं इस वाली पैलेट के अंदर। आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, आप इसके साथ काफ़ी सारे आई लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो जुलाई वन का फेवरेट प्रोडक्ट है वो है बायोडर्मा का माइसिलर वाटर। ये सीबीएम वाला माइसिलर वाटर है, मेकअप रिमूवर है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी बार बात की हुई है। तो ये मेकअप रिमूवर अच्छा है जिनकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, वो लोग इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। और ये वाला आप लोगों को अमेजोन नायका पर मिल जाएगा डिस्काउंट में, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 to 3 क्वांटिटीज मिल जाएंगी। मेरे पास ये 100 ml है जो क्वांटिटी मेरे पास अभी है, और ये मैंने आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया ये वाला बायोडर्मा का माइसिलर वाटर। मेरे पास इसकी एक और बॉटल है। तो ये माइसिलर वाटर मुझे काफी अच्छा लगता है, हैवी मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देता है और आपकी स्किन पर हार्श नहीं होगा। आप इसको डेली में भी यूज कर सकते हैं एज अ क्लेंजर आप अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो ये माइसिलर वाटर मुझे काफी अच्छा लगता है, लाइट वेट है और वाटर जैसा है इसका, वाटरी वाली कंसिस्टेंसी है। आपके डर्ट एंड इम्प्योरिटीज होती है स्किन पर उनको भी रिमूव करेगा। एक्ने प्रोन स्किन है तो एक्ने इसको भी कम करने में हेल्प करेगा। तो ये वाला माइसिलर वाटर मुझे काफी पसंद है। अगर आप लोग इसको प्लानिंग कर रहे हैं ट्राई आउट करने की तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो जुलाई मंथ का फेवरेट प्रोडक्ट है मेकअप में वो है फिट मी कॉम्पैक्ट मेवलिन का। तो इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बहुत से लोग इसको यूज भी करते होंगे। ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि मैट कॉम्पैक्ट है। तो ये वाला जो मेवलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट है अफोर्डेबल है, आपके जो स्किन पर एक्सेस ऑयल आता है उसको रिड्यूस करेगा, मेकअप को अच्छे से फिक्स करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। और ये कॉम्पैक्ट के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये लॉन्ग लास्टिंग है, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, आपके जो मेकअप होता है उसको केकी भी नहीं करेगा। तो ये जो मेवलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट है आई थिंक 7 to 8 शेड्स में अवेलेबल है। तो मेरे पास इसका जो शेड है आइवरी है, वही मेरे स्किन टोन पर मैच करता है। तो ये वाला फिट मी कॉम्पैक्ट आप जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है। तो नेक्स्ट मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट था जुलाई मंथ का मेकअप में ये नायका का मस्कारा, ये आई थिंक मैंने अप्रैल या मई मंथ में लिया था। काफी अच्छा मस्कारा है, अफोर्डेबल भी है, आई थिंक आपको 350 या 349 में ऐसे कुछ मिलेगा, मैंने डिस्काउंट में लिया था। तो ये मस्कारा मुझे सबसे अच्छा लगा। तो ये वाला जो मेरे पास मस्कारा है लेंथनिंग वाला है, इसके अंदर आपको 2 to 3 और वेरिएंट्स मिल जाएंगे वॉल्यूमाइजिंग वाला। तो मेरे पास ये लेंथनिंग वाला है, ये मस्कारा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसका वॉन्ड भी अच्छा है, एप्लीकेशन भी ईजी है, आपके ये लैशेज को क्लम्सी नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों को फेक आई लैशेज लगाना पसंद है, फॉल्सीज, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपके जो लैशेज है उनको लेंथनिंग करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पर हाँ अच्छे से कर देता है, क्योंकि अफोर्डेबल भी है। इसका वॉन्ड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और एप्लीकेशन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और ये हैवी भी नहीं फील होता इसको लगाने के बाद। तो ये ड्राई आउट भी नहीं करेगा आपके लैशेज। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरा जुलाई मंथ का फेवरेट मेकअप में ये लैक्मे की सीसी क्रीम। तो मैंने जो जुलाई मंथ में ऑलमोस्ट जो भी मेकअप किया है यही सीसी क्रीम यूज किया। तो मैंने जुलाई मंथ में फाउंडेशन 1 से 2 बार यूज किया, मैंने ये सीसी क्रीम को ही यूज किया, क्योंकि मेरे पास जो इनसाइड की पैलेट मैंने आप लोगों को दिखाई थी उससे मैं अपने डार्क स्पॉट्स और एक्ने मार्क्स जो है वो हाइड कर लेती थी, फिर ये सीसी क्रीम को यूज करती थी। तो ये सीसी क्रीम मेरी फेवरेट है, मैं इसको 3 to 4 ईयर से यूज कर रही हूँ। अफोर्डेबल है, आपको 2 क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरे पास इसकी जो क्वांटिटी है ये 30 ग्राम वाली है, और इसके अंदर SPF 30 PA++ है। तो ये वाली आपके इसके अंदर आपको 3 to 4 शेड्स मिल जाएंगे। मेरे पास जो शेड है इसका बेज वाला है, तो यही शेड मैं यूज करती हूँ। तो ये वाली सीसी क्रीम अच्छी है, कवरेज भी इसका अच्छा है। तो अगर आप लोगों को अफोर्डेबल सीसी क्रीम चाहिए, अगर आप लोगों को फाउंडेशन यूज करना पसंद नहीं है, मीडियम कवरेज आप लोगों को चाहिए अपने मेकअप में, तो आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। और ये केकी फिनिश भी नहीं देगी, लाइट वेट है, आप इसको समर सीजन में भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट इसका कवरेज अच्छा दे देता है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे जुलाई मंथ का फेवरेट ये लैक्मे का लूज पाउडर। तो ये वाला जो लूज पाउडर, इसके अंदर आपको 2 to 3 शेड्स मिल जाएंगे, अफोर्डेबल लूज पाउडर है, हमेशा डिस्काउंट पर रहता है। तो मेरे पास इसकी जो शेड है वो 02 वॉर्म पिंक। तो ये वाला जो वॉर्म पिंक वाला शेड है वीटिस और डस्की स्किन टोन पर अच्छा लगेगा, मेरे स्किन टोन पर अच्छे से मैच हो जाता है। तो ये देख सकते हैं ये इसकी इनर पैकेजिंग, इसके अंदर आपको पफ भी मिल जाएगा, मेरे पास वो अभी है नहीं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा टिंट है, रोज कलर का है इसके अंदर टिंट। मैंने आज भी जो मेकअप किया है यही वाला लूज पाउडर यूज किया, मैं इसको काफी मंथ से यूज कर रही हूँ। इसकी जो शेल्फ लाइफ है आई थिंक 2 to 3 ईयर्स है,
प्लस ये अफोर्डेबल लूज पाउडर है तो आप लैक्मे का इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं है, अच्छे से आपके फेस को सेट कर देता है, अंडर आईज को भी। ये वाला जो लूज पाउडर है लैक्मे का आप लोग जरूर ट्राई आउट कर सकते हो अगर आप लोगों को अफोर्डेबल लूज पाउडर चाहिए, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं। और इसके अंदर विद सनस्क्रीन भी ऐसा ब्रांड ने लिखा हुआ है, तो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट था जुलाई मंथ का। मैं इसको जुलाई मंथ से नहीं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और इसके अंदर क्वांटिटी भी आई थिंक आपको 40 ग्राम क्वांटिटी मिल जाती है। तो और आप लोगों को क्या चाहिए, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा जुलाई मंथ का फेवरेट, ये फेसिस कैनेडा का मैग्नेटाइज आईलाइनर। ये ब्लैक आईलाइनर है, अफोर्डेबल है, इसका आई थिंक रिटेल प्राइस 249 है बट मैं इसको हमेशा डिस्काउंट में लेती हूँ। तो ये आईलाइनर मेरा फेवरेट है, मैं इसको 3 to 4 ईयर से यूज कर रही हूँ। इसकी टिप भी काफी अच्छी है, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी दिखाया हुआ है ये लाइनर। पैकेजिंग कितनी स्लीक है, कन्वीनियंट, ट्रेवल फ्रेंडली है, तो मैं इसकी टिप दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसकी टिप कितनी थिन है, इजी इसकी एप्लीकेशन है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। बट हाँ ये मैट वाला नहीं है ये आईलाइनर, और ये वाटर प्रूफ तो नहीं है, बट हाँ मुझे आईलाइनर काफी अच्छा लगता है, इजीली वॉश नहीं होगा आपके आईज पर से, आईलिड पर से। मैं इसका स्वेच करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये है आईलाइनर फेसेस कैनेडा का, ये मेरा फेवरेट है जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थिन टिप वाला आईलाइनर चाहिए लॉन्ग लास्टिंग, तो आप ये वाला आईलाइनर ट्राई आउट करना ना भूले। और फेसेस कैनेडा के प्रोडक्ट्स तो मुझे ऑलरेडी पसंद है, काफी सारे प्रोडक्ट्स है मेरे पास फेसेस कैनेडा के। और एक बात मैं बताना चाहूंगी ये लाइनर की, जब आप अपने आईलिड पर अप्लाई करते हैं तो क्विकली ड्राई ऑफ हो जाता है, तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। अगर आप लोग बहुत जल्दी में, अगर आप लोगों को आईलाइनर लगाना ही रहता है कि वो जल्दी ड्राई कैसे होगा, तो ये आईलाइनर मुझे लगता है मस्ट वाला है क्योंकि जल्दी ड्राई हो जाता है। तो नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट जो है मेरा जुलाई मंथ का, वो है माय ग्लैम का टिंटेड परफेक्शन बेस प्राइमर। ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट है वाला प्राइमर। और ये मेरा जुलाई मंथ का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट रहा है माय ग्लैम का, क्योंकि ये मेरी स्किन पर अच्छे से ग्लो को ऐड करता है और ये सिल्की साटनी मैट वाला फिनिश देता है और काफ़ी अच्छा प्राइमर है, इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगा, लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी, नॉन स्टिकी वाला ये प्राइमर है। तो ये जो माय ग्लैम का प्राइमर है, इसमें जो मेरे पास शेड है वो पिंक वाला शेड है। इसके अंदर आपको दो शेड्स अवेलेबल हो जाएंगी, एक बनाना वाली और एक पिंक वाली है। तो ये पिंक वाली मेरे स्किन टोन पर अच्छे से मैच होती है, बट मैंने बनाना वाला भी ऑर्डर किया है यूज करने के लिए, मैं अपने इसको हाइलाइटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती हूँ। तो ये वाला प्राइमर जो है काफी अच्छा प्राइमर है माय ग्लैम का, मुझे बेस्ट प्रोडक्ट लगा ये। तो रिटेल प्राइस है वो 1095, बट मैंने ऑफर में लिया था आई थिंक 295 में मैंने लिया था कोड यूज करके, तो मुझे एक रिसेंटली कोड मिला है, आप वो कोड यूज कर सकते हैं। मैं माय ग्लैम एक्सो की ब्यूटी क्रिएटर हूँ इसीलिए, तो वो जो कोड है वो मिड अगस्त तक अवेलेबल होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। वन अकाउंट पर वो वन टाइम यूज होगा वाला कोड, 70% आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी लेने जाते हैं तो आपको ये 300 में मिल जाएगा, वैसे अगर आप लोग लोगे ओरिजिनल कॉस्ट पे तो आपको 1100 का मिलेगा। इससे अच्छा आप लोग इसको 300 में ट्राई आउट करें, अच्छा प्रोडक्ट है ऑयल और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ये जो माय ग्लैम का पिंक वाला प्राइमर है टिंटेड परफेक्शन वाला, ये आप लोगों के एक्ने मार्क्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको थोड़ा ब्लर आउट करने में भी हेल्प करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है, एप्लीकेशन को इजी करता है, जो भी आप फाउंडेशन या सीसी क्रीम कुछ भी यूज करते हैं। तो ये जो प्राइमर है इसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी है, स्लीक है, कन्वीनियंट है, ट्रेवल फ्रेंडली है, काफी अच्छा प्राइमर है, तो आप इसको ट्राई आउट करना ना भूले। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा फेवरेट रहा है जुलाई मंथ में, ये माय ग्लैम की चिजलेट पैलेट। ये मैंने अभी भी आई थिंक रिसेंटली बताई थी, हॉल वीडियो में दिखाई थी। तो मेरे पास इसके दो शेड्स है, पोकर फेस और फेस वैल्यू। तो ये वाली पैलेट ऑल इन वन है, इसके अंदर आपको ब्लश, हाइलाइटर, ब्रॉन्जर मिल जाते हैं। तो ये देखिए इसकी इनर पैकेजिंग है, कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में, ट्रेवल फ्रेंडली, इसके साथ आपको मिरर भी मिल जाता है, ऑल इन वन पैलेट। आप इसको एज आई शेडो भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया, तो आप लोगों को 300 में मिल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग आप इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं, पिगमेंटेशन भी अच्छा है, मीडियम कवरेज है, आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। मुझे ये पैलेट काफी अच्छी लगी इसीलिए मैंने इसकी दोनों शेड्स ली हैं। तो ये प्रोडक्ट आप ट्राई आउट करना ना भूले। अगर आप लोगों को ऐसी कुछ फेस पैलेट चाहिए ऑल इन वन वाली, तो ये मुझे लगता है बेस्ट प्रोडक्ट है माय ग्लैम का।
तो लास्ट मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट रहा है जुलाई मंथ में मेकअप का, ये माइग्लेम मनीष अल्होत्रा की आई शेडो पैलेट, ये 9-in-1 आई शेडो पैलेट है। इसके अंदर आपको 9 शेड्स मिल जाएंगे। मैं अंदर से पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर आपको 9 शेड्स मिल जाएंगे, 9 पेन्स हैं। तो इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है 1850 की है, बट अगर आप लोग कूपन कोड यूज करते हैं और उसके साथ थोड़े पॉइंट्स जो आप लोगों के ऑलरेडी माइग्लेम अकाउंट पर होंगे, तो आपको आई थिंक अभी ये 680 में मिलेगी। बट अगर आप लोगों को अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट चाहिए कूपन कोड लगाकर, तो 700 भी बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग और आई शेडो पैलेट्स लेने जाते हैं अच्छी, तो आपको 1000 रुपीज में मिलेगी। इसके अंदर आप शेड्स देख सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर अलग अलग शेड्स हैं। तो मेरे पास इसका जो शेड है ये वाला है, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, इसका नेम मुझे याद नहीं, आई शेडो पैलेट जो है मेरे पास ये, तो ये वाली देख सकते हैं आप, इसकी कलर रेंज काफी अच्छी है। तो ये जो MM की आई शेडो पैलेट है मेरी फेवरेट है, मैंने इसको जुलाई मंथ में काफी बार यूज किया है। तो ये वाली आई शेडो पैलेट से आप काफी सारे आई लुक्स अच्छे अच्छे क्रिएट कर सकते हैं। आप कलर रेंज देख सकते हैं, इसके अंदर आपको मैट शिमर शेड्स मिल जाएंगे। तो ये जो शेड्स है पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा है इनका। तो ये आई शेडो पैलेट आप एक बार जरूर ट्राई आउट करें। इसके अंदर आपको मिरर भी मिल जाएगा, मिरर की क्वालिटी अच्छी है। और आई शेडो पैलेट की ये पैकेजिंग तो आप देख ही रहे हैं, काफी सुंदर पैकेजिंग है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे मेरे फेवरेट जुलाई मंथ के। तो मुझे लगता है जो मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जो MTs और मेरे फेवरेट्स रहे हैं जुलाई मंथ के, मुझे नेक्स्ट वीडियो में दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है। तो इससे बेटर है मैं वो सेकंड पार्ट में दिखाऊं। सो ये वाली वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, दर्शाइनी अंकिता, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।